हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा जो राइटर डायरेक्टर भी था और जबरदस्त एक्टर भी था। उन्होंने गाइड, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम जैसी यादगार फिल्में बनाकर देवानंद को सुपरस्टार बना दिया था। उनके निर्देशन में बनी गाइड, तीसरी मंजिल, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्मों के बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है। इन्हें डायरेक्टर विथ गोल्डन टच भी कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया और हम बात कर रहे हैं सदाबहार एक्टर देवानंद और महान निर्माता निर्देशक चेतन आनंद के छोटे भाई विजय आनंद की, जिन्होंने न केवल फिल्म निर्देशन की दुनिया में अपना सिक्का जमाया था बल्कि अपने अभिनय के हुनर का लोहा भी मनवाया था। लेकिन इस अत्यंत टैलेंटेड फिल्मकार और बेहतरीन अभिनेता ने अपनी शादी को लेकर एक ऐसा कदम उठाया कि पूरे समाज में हंगामा मच गया, जिसने DDLJ जैसे सुपरहिट फिल्म की खोल दी थी पोल और बता दी थी इसकी असलियत। इन्होंने जितनी शानदार फिल्में बनाई उसे कहीं ज्यादा विवादों में रहे। चाहे सगी भांजी से शादी करना हो, भारत में पॉर्न फिल्मों को लीगल कराने की लड़ाई लड़ना या फिर उस समय की सबसे बोल्ड फिल्म बनाने को लेकर हंगामा, दिलीप कुमार के मुंह पर बुराई करना या फिर DDLJ को अवार्ड ना देने के लिए पूरे इंडस्ट्री से लड़ जाना, जिस ओशो के शरण में गए और कल्ट फॉलोअर बने फिर क्यों उनके माला को टॉयलेट में फ्लश कर दिया। जानेंगे ये सारी बातें, तो चलिए शुरू करते हैं सुपरस्टार के विवादित जिंदगी के अनसुने किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बॉलीवुड एक्टर, स्क्रीन राइटर, एडिटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विजय आनंद का जन्म 22 जनवरी 1934 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। विजय आनंद के पिता पंजाब के जाने माने वकील थे। घर में सबसे छोटे बेटे होने के कारण वह सभी के दुलारे थे। बचपन से ही उनके सुनहरे बालों के कारण घर वाले उनको गोल्डी कहकर बुलाते थे और बड़े होने पर भी उनका नाम गोल्डी आनंद ही पड़ गया। विजय आनंद जब महज 7 साल के थे तब उनकी माँ चल बसी थी। उनका पालन पोषण बड़े भाई चेतन आनंद और भाभी उमा आनंद की देखरेख में हुआ था। जब वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर रहे थे तब उनके दोनों भाइयों देवानंद और चेतन आनंद का फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम हो गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भी अपने भाइयों के पद चिन्हों पर चलने के लिए माया नगरी बॉम्बे पहुंच गए थे। मुंबई के संजेवियर कॉलेज से विजय आनंद ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। जब विजय आनंद कॉलेज में थे तब उन्होंने अपनी भाभी उमा आनंद के साथ मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी थी। इस स्क्रिप्ट पर आगे चलकर एक फिल्म बनी जिसे लोग टैक्सी ड्राइवर के नाम से जानते हैं। यह फिल्म साल 1954 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्माण विजय आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था, जबकि देवानंद इस फिल्म के निर्माता और एक्टर थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। इस फिल्म के गाने आज भी संगीत प्रेमियों की जुबान पर है। टैक्सी ड्राइवर की सफलता के बाद उन्होंने फिल्मों को गंभीरता से लिया और यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। उन्होंने 23 साल की उम्र में सन 1957 में पहली फिल्म 9/2/11 को डायरेक्ट किया था। जिस उम्र में नौजवान फिल्म की बारीकियां सीखते समझते हैं, उस उम्र में विजय आनंद ने फिल्म ही बना डाली। इस लेजेंडरी फिल्म मेकर के कौशल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 40 दिन के अंदर विजय आनंद ने अपने भाई देवानंद और कल्पना कार्तिक को लेकर इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली थी। इस फिल्म की सफलता ने विजय आनंद को एक निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया। बाद में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में फिल्म निर्देशन के अपने कौशल का जादू चलाया। उनके निर्देशन में बनी गाइड, काला बाजार, तीसरी मंजिल, तेरे घर के सामने, हम दोनों, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, छुपा रुस्तम और ब्लैकमेल जैसी फिल्मों को कौन भूल सकता है। इन फिल्मों के बिना सिनेमा का इतिहास अधूरा है। गोल्डी के निर्देशन में बनी गाइड ने न सिर्फ देवानंद को अभिनेता से स्टार बना दिया बल्कि गोल्डी को भी प्रथम श्रेणी के निर्देशकों के बीच ला खड़ा किया। फिल्म मेकर होने के साथ साथ वह एक जबरदस्त एक्टर भी थे। हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म आगरा रोड थी, जो 1957 में रिलीज हुई थी। हीरो विजय आनंद ने हकीकत, कोरा कागज, मैं तुलसी, तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में दिखाई दिए थे। 90 के दशक में दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल तहकीकात में उन्होंने विजय डिटेक्टिव सैम की भूमिका निभाई थी।
उन्होंने 1974 में रिलीज हुई फिल्म कोरा कागज में अत्यंत सशक्त भूमिका की थी। मारधार और चालू मसाले वाली फिल्मों के दौर में यह एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पारिवारिक ढांचे में दाम्पत्य संबंधों को बारीकी से समझा गया। इसमें विजय आनंद ने प्रोफेसर सुकेश दत्ता का चरित्र निभाया था, जो अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों का आज तक प्रतिनिधि चेहरा बना हुआ है। इस फिल्म में पति पत्नी के बीच गलतफहमी से उपजे मानसिक तनावों और उलझनों के ताने बाने को गोल्डी ने बखूबी निभाया। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस की भूमिका में जया बच्चन थी, लेकिन जया बच्चन के सम्मुख गोल्डी किसी भी कदर 19 साबित नहीं हुए। उन्होंने देवानंद के भाई होते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। वह एक साथ कई कई रूपों में दिखाई देते थे, जैसे निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक। फिल्मों के प्रति विजयानंद के प्यार और कलात्मक अप्रोच को देखते हुए कई जाने माने डायरेक्टर्स और मॉडर्न फिल्म मेकर ने उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म मेकिंग का खिताब दिया था। इतने हिट होने के बाद विजयानंद अपनी शांति की तलाश करने लगे और इसी तलाश ने उन्हें पूना पहुंचा दिया। दरअसल जीवन के अनेक बुरे अनुभवों ने उन्हें बदल दिया था। अपने जीवन के कई वर्ष उन्होंने निराशा में बिताए। उनके लिए सबसे बुरा दौर था अभिनेत्री प्रिया राजवंश की हत्या। इस हत्याकांड में उनके भाई चेतन आनंद के दोनों पुत्रों केतन आनंद और विवेक को पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था। यह हत्या जायदाद के विवाद के कारण हुई थी। उस वक्त चेतन आनंद की जायदाद का सारा काम गोल्डी देख रहे थे। भाई के दोनों बेटों को रिहा कराने के लिए विजय आनंद ने कड़ी मेहनत की थी। देवानंद ने खुद को इस विवाद से दूर रखा, लेकिन विजय ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि गोल्डी अपने भाई और उनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इन सारी चीजों के कारण वो डिप्रेशन में जाने लगे। तब विजय आनंद ने खुद को ओशो रजनीश के हवाले कर दिया। आपको बता दूं, परवीन बॉबी और विनोद खन्ना भी शांति की तलाश में ओशो के शरण में गए थे। अपने करियर में टॉप पर होने के बावजूद विजय रजनीश के पास जाने लगे और धीरे धीरे दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई कि इधर विजय आनंद रजनीश का प्रचार करते और उधर रजनीश विजय आनंद के फिल्मों का प्रचार करते। एक वक्त ऐसा भी आया जब विजय आनंद ने अपने घर और स्टूडियो को मंदिर के रूप में बदल दिया और खुद रजनीश की माला पहनकर चोला ग्रहण कर लिया और फिल्म डायरेक्ट करने की जगह स्टूडियो में ही लोगों को प्रवचन देने लगे। धीरे धीरे ये भी सन्यासी बनते जा रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री इसे देखकर बेहद हैरान थी कि इतना बड़ा क्रिएटिव इंसान ये चोलाधारी क्यों बन गया और कैसे बन गया। लेकिन ओशो रजनीश के प्रभाव में विजय रमते चले गए। तभी मेक्सिको से आई एक रेडियो प्रेजेंटर रजनीश को लेकर विजय आनंद का इंटरव्यू लेना चाहती थी। इस इंटरव्यू को देते हुए विजय आनंद को इस रेडियो प्रेजेंटर से प्यार हो गया और दोनों साथ में ज्यादा से ज्यादा समय गुजारना चाहते थे। इस रेडियो प्रेजेंटर का नाम था लवलीन। इस समय विजय आनंद अपने भांजे शेखर कपूर को लेकर जान हाजिर है नाम से एक बोल्ड फिल्म बना रहे थे। कहा जा रहा था कि उस दौर का यह सबसे ज्यादा बोल्ड फिल्म होगा। ज्यादा समय साथ बीते इस सोच से फिल्म में विजय आनंद ने लवलीन को कास्ट कर लिया, लेकिन अब विजय आनंद को लवलीन से एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और विजय ने लवलीन के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। लवलीन तो कब से हाँ कहने का इंतजार कर रही थी। फिर ओशो के आशीर्वाद से दोनों ने शादी कर ली और ये फिल्म बंद डब्बे में चला गया। विजय आनंद और लवलीन बड़ी हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लवलीन को एक्टिंग का मन करने लगा और विजय आनंद पर प्रेशर बनाने लगी कि मेरे लिए कहानी लिखो। लेकिन विजय लवलीन से एक्टिंग नहीं करवाना चाहते थे, जिस कारण दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगा। आए दिन झगड़े होने लगे और बात जब रजनीश तक गई तो उन्होंने विजय आनंद से कहा कि तुम लवलीन को छोड़ दो, और तब रजनीश के भक्ति में डूबे विजय आनंद ने लवलीन को छोड़ दिया। विजय आनंद के मन मंदिर में सिर्फ और सिर्फ रजनीश ही बसे थे, लेकिन विजय के मन से धीरे धीरे रजनीश तब उतरने लगे जब रजनीश को लेकर कई तरह की खबरें आने लगी। यहाँ तक कि रजनीश विजय आनंद के जिन फिल्मों के सुपरहिट होने की भविष्यवाणी करते थे वो फिल्में नहीं चली। इस वक्त रजनीश अपने उपदेशों में दूसरे धर्म गुरुओं की बुराई भी करने लगे थे। तब तो विजय आनंद का रजनीश के प्रति पूरी तरह मोह भंग हो गया। इसके बाद तो विजय ने अपना चोला उतारा, रजनीश के दिए माले को बाथरूम के कमोड में फ्लश किया और चल दिए अपनी क्रिएटिविटी की दुनिया में। रजनीश को छोड़ने के बाद विजय आनंद को एक ऐसा हमदर्द चाहिए था जो उनकी दर्द को समझ सके,
और ये सहारा उन्हें अपने ही परिवार से मिला। 1978 में विजय आनंद ने अपनी ही भांजी से शादी कर ली। उन्होंने अपनी भांजी सुषमा कोहली से शादी की थी, जो उनकी सगी बहन की बेटी थी। भारतीय समाज में इस तरह की शादी को कभी मान्यता नहीं दी गई है, और ऐसे में जब उन्होंने अपनी ही भांजी से शादी करने का फैसला किया तो उनके परिवार में ही नहीं बल्कि भारतीय समाज में भी हंगामा मच गया। लेकिन विजय आनंद को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने परिवार और अपने काम में मगन रहते। उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम वैभव आनंद है। सालों बाद उनकी पत्नी या कहे तो भांजी ने एक इंटरव्यू में बताया कि विजय के टेम्परामेंट को मैं बखूबी समझती हूँ और वो मुझसे संभल भी जाते हैं। उनका मानना था कि मुझे जिंदगी में किसी ने समझा और जाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ विजय आनंद ही है, इसी कारण मैंने उनसे शादी की। विजय आनंद ने 1998 में फिर से अपनी फिल्मों का जादू चलाने की कोशिश की। फिल्म का नाम था मैं तेरे लिए, लेकिन फिल्मों के बदलते दौर में ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और विजय आनंद ने अपना रुख टीवी की तरफ कर लिया। इसके बाद उन्होंने कई टीवी सीरियल्स को डायरेक्ट भी किए और अभिनय भी। विजय आनंद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक एक अच्छे फिल्म क्रिटिक माने जाते रहे हैं। वो फिल्मों को अच्छे से जांच परख कर ही उन पर अपना नजरिया रखते थे। एक किस्सा है कि 1996 में जब यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे सुपर हिट हो गई थी, लोग इसके दीवाने हो गए थे, तब इसे स्क्रीन अवार्ड्स की कमेटी के पास भेजा गया। इसे बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस कमेटी के अध्यक्ष थे विजय आनंद। इसकी स्क्रीनिंग उनके घर पर बने मिनी थिएटर केतनों में रखी गई थी। इस कमेटी में एक्टर जितेंद्र भी थे और उन्होंने इस फिल्म को ही हर कैटेगरी में वोट दिया। लेकिन जब विजय आनंद से उनकी राय ली गई तो सभी को शॉक लगा। दरअसल उन्होंने DDLG को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि ये फिल्म एक हॉलीवुड फिल्म की कॉपी है। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए अगले दिन उस हॉलीवुड फिल्म की स्क्रीनिंग भी रखी थी। फिल्म थी लव ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। इसे देखने के बाद सभी जूरी मेंबर्स ने DDLJ को रिजेक्ट कर दिया था। इसकी खबर इंडस्ट्री में आग की तरह फैली और यश चोपड़ा, जो विजय साहब के दोस्त थे, उन्हें इससे गहरा धक्का लगा। उन्होंने विजय से मिलकर इस मुद्दे पर बात करने का समय मांगा, लेकिन विजय साहब ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि उनका फैसला अडिग है और इसे कोई बदल नहीं सकता। उनकी ये बात सुनकर यश चोपड़ा बीमार पड़ गए थे। हालांकि 1996 में जूरी और विजय आनंद के रिजेक्ट करने के बावजूद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने 3 अवार्ड जीते थे, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर। ये कैसे हुए इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। और यही हुआ आमिर खान की फिल्म अकेले हम अकेले तुम के साथ। उनका कहना था कि ये फिल्म भी ओरिजिनल नहीं है। एक बार दिलीप कुमार ने कलिंगा नाम की फिल्म बनाई और उसकी स्क्रीनिंग पर विजय आनंद को बुलाया गया। पूरी फिल्म देखने के बाद विजय ने दिलीप कुमार के मुंह पर साफ साफ कह दिया कि क्या बेहुदा फिल्म बनाई है। इतना ही नहीं, देवानंद ने जब अपनी पहली फिल्म प्रेम पुजारी डायरेक्ट की तो विजय आनंद ने साफ साफ कह दिया कि तुम फिल्में डायरेक्ट ना ही करो तो अच्छा है। 2001 में विजय आनंद एक बार फिर सुर्खियों में रहे जब उन्हें सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। तब उन्होंने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर, जो कि उस समय सुषमा स्वराज थी, उनके सामने एक ऐसी अपील रखी जिससे सुषमा स्वराज ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्होंने विजय आनंद को यहाँ तक कह दिया कि तुम बड़े ही बेशर्म हो। दरअसल विजय आनंद ने मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि भारत में पॉर्न फिल्मों को लीगल कर देना चाहिए, भारत के चुनिंदा थिएटर में ये फिल्में चलनी चाहिए। ये बात बहुत बड़ी हो गई और यह मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और विजय आनंद को माफी मांगने के लिए कहने लगे। विजय आनंद ने माफी तो नहीं मांगी लेकिन अपने पद से रिजाइन जरूर कर दिया। उनका मानना था कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, फिल्म के हिसाब से हर तरह का सिनेमा दिखाना चाहिए, भले ही इसे चुनिंदा रूप में दिखाए। विजय आनंद अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में देवानंद के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म अनाउंस भी हुई, लेकिन अफसोस कि इसके कुछ ही समय बाद जीवन के तमाम उतार चढ़ाव और बुरे अनुभवों को झेलते हुए 23 फरवरी 2004 को दिल का दौरा पड़ने से विजय आनंद का निधन हो गया। वैसे तो इनके जीवन के और भी कई किस्से हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।